हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की और ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे मैंने एक सर्वे से कराया था यूट्यूब पर ही, तो कई बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री को लेके काफ़ी कंसर्न जताया, क्लास 10 मैथमेटिक्स के बच्चे, कि सर इसमें आप हेल्प करो तो ज़्यादा बेटर है। तो उसी की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप जानते ही हैं और सिलेबस क्या है इसकी बात करेंगे। कई बच्चों को सिलेबस के लेके कन्फ्यूजन मचा रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग और टॉपिक्स या हल्का सा रिवीजन आपका कह लीजिए, इसकी बातचीत करूंगा मैं आज। और आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो ध्यान रखिए, ये बोर्ड के पेपर में 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, 12 नंबर का वेटेज रखता है। आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, उसमें 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है, जो NCERT में दो चैप्टर्स हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंसेज, ये दो चैप्टर मिलाकर 12 नंबर का आएगा, यानी 15% का वेटेज है बोर्ड पेपर के हिसाब से। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंस को साबित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है तो हमें करना ही है। और विश्वास रखिए आपको नंबर जरूर मिलेंगे। टारगेट क्या है, 90% प्लस का। मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा भी कोशिश कर रहा है वो बेहतर से बेहतर नंबर लाए, और अगर 90% से ऊपर लाए तो क्या कहने। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं सिलेबस की, जो क्लैरिटी में थोड़ा समझाता जाऊंगा, क्योंकि आप 10th में ऐसा हो सकता है कि सिलेबस को लेके बहुत क्लैरिटी ना मिल पा रही हो आपको। तो मैं, ये CBSE का सिलेबस है जो उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, यहाँ मैं फोटोग्राफ भी लगा दूंगा उसकी, जैसे आप भी मेरे साथ इसको पढ़ सकें। तो देखिए, यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री की और 12 मार्क्स का वेटेज है, ऐसा मैंने बताया आपको। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 सब यूनिट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक्यूट एंगल्स के, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाले, और राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते ही, उसी के अंदर जो लग सकते हैं उनकी बातचीत की जाएगी। सभी ट्रायंगल्स के लिए 11th और 12th में पढ़ेंगे आप। प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, देखिए ये इसमें ये चीज़ बोली जाती है कि जो ये आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं ना, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज का प्रूफ भी एग्जामिनेशन में आता है, साइन कॉस टेन और बाकी टोटल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कि इनके जो स्टैंडर्ड्स एंगल्स हैं, जो 0, 30, 45, 60, 90 की बात की जाती है, ये प्रूफ भी आप जरूर तैयार कीजिएगा, ये सिलेबस में है लिखा हुआ है। वही बातें लिखी हुई हैं जो आपको मैंने डिटेल में बताई, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी वैल्यूज तो आपको याद होनी ही चाहिए, वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, फॉर्मूला वगैरह उसका जो होता है, साइन 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वगैरह वगैरह, और भी 3-4 छोटे छोटे फॉर्मूले जो आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा सब यूनिट बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें कई बच्चों को तकलीफ रहती है क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बाकी है ये पजल, इट इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, आसान आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, NCERT के क्वेश्चन लगाइए, और मैं बताऊंगा भी क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते ही, कॉस थीटा होता है, तो उसको उसकी बातें की गई हैं कि आइडेंटिटीज में प्रूफ करिए, जो प्रूविंग के सवाल आते हैं उसको करना है। और तीसरी जो सब यूनिट है हाइट एंड डिस्टेंस की, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप पढ़ पा रहे होंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू राइट एंगल्स, टू ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, बन तो कई सारे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम दो, और दो का लगा ही आ जाता है सवाल। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, ये बहुत ही बेसिक कर दिया है आपके लिए। तो ये टोटल मैंने सिलेबस पढ़ा, और ये बहुत ही, आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, मेरी बात थोड़ा फॉलो कीजिएगा, आपको 12 में से 12 नंबर ये ट्रिग्नोमेट्री दे आएगी, ये पक्का है। तो आप अगली बात हम लोग करते हैं कि ये जो सिलेबस मैंने बताया इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ें, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है अपने लिए, उस तरफ चलते हैं। देखिए बात शुरू करते हैं कि कैसे आप परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में मैंने बोला है, और आपके लिए जो परफेक्ट स्ट्रेटजी है बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के लिए वो यही है बेटा, कि आप प्रीवियस 5 साल के बोर्ड पेपर सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, 5 साल से ज्यादा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी समय बचेगा तो आप कर सकते हैं। और दूसरा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले लीजिए, जो 2020 में जिस तरह के सवाल आते हैं नए पैटर्न के हिसाब से,
क्या चांसेस है आने का उसके, ये दोनों ही बातें उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो टीचर होंगे स्कूल के वो मदद कर रहे होंगे। अगर किन्हीं कारणवश वो मदद ना कर पाए या आपको मदद ना मिल पाए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग कोर्स रिवीजन बूस्टर के नाम से बना रखा है। कोर्स का नाम दिया है बेटा रिवीजन बूस्टर, और इस कोर्स के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस 5 ईयर बोर्ड पेपर, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, ये सारी बातें उन्होंने और प्लस 10 सैंपल पेपर आपको दे रखे नए पैटर्न के हिसाब से बने हुए, ये इसके अंदर मौजूद हैं। आपको इसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन में चेक करना है। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ट्रेमेंडस फायदा होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि बेटा अभी आपसे बोलूं, मैं बता तो दूंगा, अब मैं ये बोलूं कि पूरी किताब आप लगाइए तो पूरी किताब अभी नहीं लगा पाएंगे आप, थोड़ा मुश्किल है। बहुत बच्चे नहीं लगा पाएंगे, कोई 2-4 बच्चे हों शायद लगा लें, अधिकतर बच्चे नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ऐसे 15-17 क्वेश्चन चाहिए जिनको लगा के आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जाम में नंबर आने के चांसेस भी बढ़ जाए। यही काम रिविजन बूस्टर आपके साथ करेगा, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने मार्क्स को आसानी से बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों बात शुरू करते हैं। देखिए ये आपको मालूम ही होगा एक ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस टेन क्या अपॉन क्या रहता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको याद रखने की ट्रिक आपके स्कूल के टीचर ने बताई होगी क्योंकि ये आसानी पड़ती है याद करने में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप कर देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा के लिए बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो, इसी तरह टेन के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, और भी बेसिक फॉर्मूले आपको पता होंगे, उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। कॉसेक थीटा सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इतना पढ़ा ही होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह सेक थीटा की बात करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा का एक और छोटा सा फॉर्मूला रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर मालूम होगी, इस ट्रिक का भी यूज कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित जी सबका भला करेंगे बोर्ड एग्जाम में भी, है ना। अब दूसरी बात करते हैं ना कि इसके जो ये जो एंगल्स है ना, इनकी वैल्यूज में लिख के दिखाता हूं, बड़ा सरल, कई बच्चों को याद नहीं रहती, तो उसको तो याद कर लीजिएगा। ट्रिक भी है इसको याद करने की जो बहुत आसानी प्रोवाइड करती है आपको। तो जल्दी से जरा फटाफट हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे वैल्यूज आती है। इनका डेरिवेशन या प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी प्रूफ करके जाइएगा। ट्रायंगल वगैरह में साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, उसका प्रूफ, समझ पा रहे होगे मेरी बात, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पहली वाली लाइन होती है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए, उसकी एक ट्रिक भी है, वो भी बता देता हूं मैं आपको, लेकिन मैं पहले लाइन लिखना पसंद करता हूं। तो साइन, ये एंगल्स लिखे हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइन कॉस, ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 हो गया 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो ये पहली लाइन आप मेमोराइज कर लीजिए, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको पहली लाइन भी याद नहीं होती, तो उनके लिए एक ट्रिक सी बना दी गई है, वो भी मैं बता देता हूँ जिससे आप उसको पकड़ पाएं। देखिए क्या रहता है कई बच्चों के साथ, जैसे उनको पहली लाइन बाय द वे नहीं याद कर पा रहे हो, तो उनको बताया जाता है कि आप क्या करें कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लें, पहली लाइन में जहां ये 0 ये लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लें बेटा। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है। देखो सबको 4 से डिवाइड कर देना है, कर दिया डिवाइड, अब उस डिवीजन के बाद इन सबका अंडर रूट ले लो, है ना। तीन चीजें की, पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर 4 से सबको डिवाइड किया, फिर सबका रूट ले लो, तो ये तो 0 ही होता है ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/4 का मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/√2, 3/4 का मतलब है √3/2, और 4/4 की वैल्यू होती है 1। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लें, अगर याद नहीं होता 4 से डिवाइड कर लें फिर रूट ले लें। वैसे मुझे तो ये लाइन याद ही कर लीजिए, इतना सब तो याद करना पड़ता है, ये भी सही, जल्दी हो जाएगा काम,
मैंने इसलिए बता दिया कि आपकी नॉलेज में रहेगा तो अच्छा है। अब देखिए कॉस की बात करते हैं, तो जो साइन लिख लिया ना कॉस इधर से शुरू कर दो, वन वाला इधर लिख दो, रूट थ्री वाला रूट थ्री बाई टू इधर लिख लो, वन बाई रूट टू इधर लिख लो, वन बाई टू को इधर लिख लो, इस जीरो को बेटा इधर लिख लो, काम खत्म, कॉस कंप्लीट हो गया। अब टेन आप जानते हैं, टेन जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो टेन जीरो डिग्री कितना होगा, जीरो अपॉन वन, जीरो डिवाइड किया ना, देखो जीरो को वन से डिवाइड किया तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये वैल्यू हो गई यहां पर जीरो। अब 30 डिग्री में 1 बाई टू को रूट थ्री बाई टू से डिवाइड कर दो, तो 1 बाई टू को रूट थ्री बाई टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट थ्री। इसी तरह 1 अपॉन रूट और 1 अपॉन रूट को डिवीजन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, यहां रूट थ्री बाई टू को 1 बाई टू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, या आप चाहें तो इन्फिनिटी कह सकते हैं, ये वैल्यू टेन थीटा की आ जाएगी। अब बात करो कॉसेक थीटा की, तो देखो कॉसेक थीटा तो उल्टा होता है ना साइन थीटा का, देखो 1 अपॉन साइन थीटा, तो जो वैल्यू साइन थीटा की है 1 अपॉन करके लिख दो, बात खत्म। ये देखिए कॉसेक थीटा आ गए, इसी का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 1 बाई टू विच इज 2, फिर 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 विच इज रूट 2, फिर 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 मतलब 2 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन 1 यानी वैल्यू हो गई 1, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। sec थीटा की बात करो तो cosec 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो 1 अपॉन 1 विच इज 1, इसका उल्टा 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 मतलब 2 अपॉन रूट 3, ये 2 अपॉन रूट 3, इसको 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 लिखोगे तो रूट 2 आ जाएगा, 1 अपॉन करोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसको लिखोगे तो क्या नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखने की कोशिश करो ना तो cosec थीटा का देखिए उसी तरीके से यहां से ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका जो लाइन है इसकी लाइन ऐसी है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर cot थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा, तो 1 अपॉन 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, बिल्कुल सरल सी बात है। 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 रखोगे तो ये रूट 3 आ जाएगी, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होता है, 1 अपॉन रूट 3 रखोगे तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा बेटा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और ये देखिए पूरा चार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती, और ये बहुत इस्तेमाल होता है सवालों के अंदर, इनकी वैल्यूज आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे छोटी सी, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कर दीजिए काम हो जाएगा। तो चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख दिए जो 2019 में आए थे, तो जो बातें डिस्कस की देखिए उसी पे एक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है, आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और मैं वहां पर डाल दूंगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, आप मैच कीजिए आपका सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये 2019 में एक नंबर का सवाल था, कुछ भी नहीं करना, साइन 30 45 30 डिग्री की वैल्यू डालो और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। दूसरी वैल्यू जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करिए sec a, ये भी 2019 का ही सवाल था, ऑप्शन में था इसके साथ, एक नंबर का सवाल 2019 के बोर्ड पेपर में। एक इस तरह का सवाल था, ये देखिए इस तरह के सवाल बड़े पेट हैं, एग्जामिनेशन में अक्सर मिलेंगे, आते ही हैं, ऐसा मान के चलें, इनको तैयार करें। 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, ये 3 नंबर का सवाल था, तो बताइए 3 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सॉल्व करिए, इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, देखिए आपका सही आता है कि नहीं आता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ये भी देखिए ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत सरल हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका काम बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो वैसे ही बच्चों को याद रहता है, जो भोले भाले बच्चे हैं उनको भी याद रहता है, पढ़ने वाले की तो बातें छोड़ दीजिए। बाकी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कितना छोटा सरल फॉर्मूला है, आराम से आप तैयार कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, बिल्कुल आसानी से तैयार किया जा सकता है, आपने कई जगह लगाया भी है। और टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ये 4 फॉर्मूले ही तो हैं बेटा, और हैं ही कितने बताइए, अगर आपने एंगल्स तैयार कर लिए हैं और कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या वो भी आपने पकड़ के रखा होगा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए डिग्री लिख दिया जाए तो क्या लिखते हो बेटा, कॉस ए, बार बार मैं ए डिग्री नहीं लिखूंगा, आप समझिएगा ए डिग्री है। और इसी तरीके से कॉस
90 माइनस ए लिख दिया जाए तो इसे ही लिख सकते हैं आप साइन ए। इसी तरह बाकी फॉर्मूले भी आपने याद कर रखे होंगे। तो ये फॉर्मूले बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन रहते हैं, आपने तैयार किए होंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए कोई भी बोर्ड का पेपर आप ये पक्का मान के चलिए कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग के कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो किसी साल का उठा लें, और 2020 में भी ऐसा ही होता मिलेगा। तो आपको प्रूविंग के सवाल आने चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ये छोटी छोटी पजल्स होती हैं, तुरंत आपका काम बन जाएगा। प्रूविंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ में लिखा है, आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए आसानी से हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो 4 नंबर आपके बन रहे हैं। इसी तरीके से बात कीजिए यहाँ, ये भी 2019 में 4 नंबर का सवाल था, जो इंटरनल चॉइस होती हैं दिस और दिस करके आया था, इन दोनों में से कोई एक करना था, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कहने का क्या मतलब है मेरा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रूविंग वाले, ये क्वेश्चंस तो आपके सामने आने ही आने हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिए और आपका काम मजबूती से बनता चलेगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो सवाल कॉम्प्लेक्स भी आएंगे वो भी ऐसे होते हैं कि आप आसानी से कर लीजिए, थोड़ा सा फोकस अगर किया हो भाई, आपको ऐसे कुछ दे देते हैं ट्रायंगल, अगर सिंगल ट्रायंगल है, अगर सिंगल ट्रायंगल नहीं है तो कभी कभी इसको और हाइट करते हैं, 2 ट्रायंगल बन जाता है ऐसे, कि एक बार आप इधर पे नॉर्मली 10 थीटा लगता है अक्सर, याद ना करिएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगेगा, लेकिन ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और बड़े वाले का इसी तरह, ये पूरा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इसकी हाइपोटेन्यूज, इसको H1 H2 कर दो बेटा, P1 कर दो, पूरे वाले का P2 कर दो। तो एक बार इसके लिए अगर आप 10 थीटा लगाएंगे, इस एंगल को कुछ ले लीजिए, थीटा मान लीजिए कह रहे हैं आप, अल्फा कह देते हैं, और इस एंगल को बीटा कह दीजिए, तो जब भी 10 अल्फा लगाने जाएंगे आप परपेंडिकुलर यानी P1/B लिखेंगे, और जब भी आप लगाने जाएंगे 10 बीटा, कुछ भी नहीं है, देखिए ऐसे बिल्कुल आसानी से सवाल होते हैं, और ये कर देंगे P2/base, तो ऐसे ट्रायंगल मिल सकते हैं। इसी का दूसरा रूप देख लीजिए, 2 ट्रायंगल जो ये कहते हैं, कौन सी बड़ी बात, बहुत सिंपल बातें करते हैं ये ऐसे 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे बेटा, इसमें एक बार इसमें लगा दो 10 वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट, एक बार इसमें लगा दो। कभी कभी कहते हैं कि एक टावर है, इस टावर को किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने यहां से देखा, फिर ये था डिस्टेंस 100 मीटर, फिर वो सर्टेन डिस्टेंस ए से बी पर चला गया, अब ये एंगल था एलिवेशन कितना 60 डिग्री, अब वो दूर गया तो बन गया 45 डिग्री, है ना, और ऊपर से इन्होंने बता दिया कि भाई एक्स निकालिए, अब तो एक्स निकालने में पहले वाला ये ट्रायंगल यूज करोगे तो इसकी हाइट निकाल लोगे, फिर इस पूरे के लिए हाइट मालूम है तो एक्स निकलेगा, खेल खत्म हो गया इसका। बस ऐसे ही सवाल बनते हैं, जो डिफिकल्ट सवाल एक दो बार बने थे, जैसे आप सोचते हैं जिसे डिफॉल्ट, वो क्लाउड उलाउट के बने थे, वो भी जरा सा आपको हिंट दे देता हूं, बहुत सरल सवाल रहते हैं वो, देखिए इसी में जल्दी से आपको बताता हूं, और आपको देखिए देख के लगेगा कि इसमें क्या रखा है, तो बिल्कुल मैं कर लूंगा और कर भी लेंगे आप। उसमें कैसे था कि मान लीजिए रिवर है, रिवर में कहीं यहां पर कोई बंदा बच्चा बैठा हुआ है, जो कि जो बैठा है वो कितना है 5 मीटर अपवर्ड, 5 मीटर तो ज्यादा हो गया, काफी ऊंचाई हो जाती है, तो मैं इसको कर देता हूं 2 मीटर पे है ये बच्चा ऊपर बैठा हुआ है, और यहां से किसी क्लाउड को देखता है, ये क्लाउड बादल, अब बादल को देखता है तो ऐसे बादल देख लिया, फिर बादल की इमेज ये पानी है, किसी झील के किनारे, किसी नदी के किनारे बैठा है, उसमें इस क्लाउड का इमेज देखता है, यहां कहीं ऐसे इमेज देख लिया इसने, है ना, और फिर दे दिया कुछ कैलकुलेट करिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये जो नदी का जहां से पानी का लेवल शुरू होता है, आप ऐसे जब मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन जब बनता है प्लेन मिरर में या पानी में, तो उतनी ही दूरी पे होता है जितना हम उससे दूरी पर होते हैं। तो अगर ये सपोज करिए कोई डिस्टेंस गिवन है, आपको मालूम है कि 10 मीटर है, 10 मीटर कहाँ होगी, 100 मीटर लेके चलते हैं क्लाउड, कुछ तो ऊपर करूँ और ये 100 मीटर नीचे हो जाएगा, तो बस ये उसमें थोड़ी सिचुएशन होती कि ये पकड़ लीजिए, यहाँ पे ऐसे गिरा दीजिए तो ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये 2 मीटर था तो ये 2 मीटर सॉल्व कर डालिए, ये एंगल आपको दिए जाएंगे, है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाती है, तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया जाता है आपको मुंडी उठानी पड़ती है, एलिवेट, इंग्लिश में एलिवेट वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी को ऊपर ले जाना, प्रमोशन करना, एलिवेट, एलिवेटर आते हैं, लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं, है ना, ऊपर ले जाता है।
तो एलिवेट, जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा तो आपको मुंडी ऊपर करनी है, और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन करना है तो मुंडी नीचे करनी है। अगर आप किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, 10th फ्लोर पे रहते हैं, तो अपना दोस्त अगर सड़क पे जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो करेंगे, नीचे नीचे मुंडी नीचे करेंगे तभी तो दिखेगा वो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं, लाइन ऑफ साइट यानी सीधी रेखा से। अगर आप यहाँ खड़े हैं और दोस्त यहाँ आपका है तो आपने इसको ऐसे देखा तो ये लाइन ऑफ साइट है यानी सीधी रेखा आंखों वाली, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर कोई एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और उसको आप देख रहे हैं, सपोज करिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, जमीन आपकी हाइट तो एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं, तो यही मान लेते हैं यहाँ की एरोप्लेन है, तो ये एंगल ऑफ साइट सीधे थी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, जो भी एंगल है मान लो 60 डिग्री, बस दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इतनी सी बात है। तो कुल मिला के ये चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए, आपको थोड़ा प्यार से ट्रीटमेंट देना है, 12 नंबर आपके सेट हो जाएंगे। और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस कितने लगाएं, क्योंकि समय बड़ा कम है ना, इतना समय तो है नहीं कि आप लगाते रहो क्वेश्चंस, 30 दिन भी नहीं बचे अब तो उसको देखते हुए आप रिवीजन बूस्टर कोर्स ले सकते हैं। उसमें हर चैप्टर पे 15-17 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पूछे जाते रहे हैं, जैसे आने की संभावना रहती है, तो आपका काम बहुत कम समय में आसानी से बन जाएगा। तो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ऑन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, क्या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल मैं लेके आऊँ वो करवा दूँ आपको, क्या आपको चाहिए आप कमेंट में बताइए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक रिविजन, एक क्लैरिटी मिली होगी। और बस मैं बच्चों यही चाहता हूँ कि आप जबरदस्त जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट जब भी 2 महीने बाद निकले तो कमाल का निकले, आप खुश हो जाएं। जो मेहनत आप कर रहे हो उसमें भी कुछ बोनस नंबर आपको मिल जाए ईश्वर की कृपा से, मम्मी पापा इतने खुश हो जाएं बेटा कि आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाएं, कह रहे मेरे बच्चे ने कमाल कर दिया, आप तो खुश होंगे ही। आपका पड़ोसी भी आपको आके, नेबर शर्मा जी वर्मा जी रहते हैं, तो वो भी आए और आपको फूलों का मार गिफ्ट करें कि बच्चे ने बड़ा कमाल किया है। स्कूल वाले कॉल कर लें आपको, अरे कमाल का ये आदित्य ने तो कमाल कर दिया, इसको बुलाओ, और स्कूल में आपका और आपके मम्मी पापा का सम्मान किया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, उनको गिफ्ट दिए जाएं। और कहीं और अच्छा रिजल्ट आए तो पेपर में फोटो छप जाए, कमाल है ना, कितना बढ़िया दिन होगा वो आपके रिजल्ट का। इन्हीं बातों को सोचिए और जुट जाइए पढ़ाई में। देखिए कभी भी आप जब उसके नेचर ऑफ रिजल्ट देखेंगे ना कि कमाल का रिजल्ट आ रहा है, तो आपको अंदर से जोश मिलेगा, और जोश में होश मैं रखाऊंगा, आपको गाइडेंस मैं दूंगा, तो जोश में और गाइडेंस दोनों चीज मिल जाएगी तो सुपरलेटिव रिजल्ट आएगा, और आएगा। जमे रहिए, डटे रहिए और तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।